हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्नेक बाय डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस जिनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तो ये जो पोएम है स्नेक, वैसे तो डीएच लॉरेंस को एज अ फिक्शन राइटर जाना जाता है, ही इज क्वाइट फेमस फॉर हिज नॉवेल्स, हिज फिक्शनल वर्क, लेकिन कुछ पोएम्स भी उनकी काफी पॉपुलर हैं एंड स्नेक इज वन ऑफ देम। मतलब इट इज वन ऑफ, वी कैन से, अ गुड वर्क ऑफ पोएट्री, गुड वर्क ऑफ आर्ट हियर। और ये जो पोएम है ये इनके लव फॉर नेचर, लव फॉर एनिमल्स एंड क्रीचर को शो करता है, साथ में इनकी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द नेचर अराउंड हिम उसको भी ये काफी शो करता है। बड़े ब्यूटिफुल मैनर में लिखी हुई है और जो पोएम का स्ट्रक्चर है दैट टू इज क्वाइट रिदमिक। वी कैन से कुछ लाइंस छोटी है, कुछ लाइन बड़ी है। एंजैमेंट का यूज करते हुए पोएम लिखी हुई है। एंजैमेंट एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें कि वन लाइन रन्स इनटू द अदर। तो दिस इज एंजैमेंट, और इस पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है कि एक लाइन जो है जस्ट विदाउट एनी पॉज और ब्रेक इट गोज डायरेक्टली और फ्लोज इनटू द अदर लाइन। So, to give a rhythmic flow to the poetry, यानी कि poem को एक rhythmic flow देने के लिए, एक song का touch देने के लिए, ना poem की beauty को enhance करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये इस poem की एक विशेषता है। और snake जिसे कि one of the quite, we can say, horrible reptiles, quite dangerous, fearsome reptile कहा जाता है, तो उसके साथ में जो पोएट का एक एक्सपीरियंस हुआ उस एक्सपीरियंस को बड़े ब्यूटीफुल मैनर में इस पोएम में कन्वे किया गया है। सो लेट्स सी कैसे पोएट ने ये सब यहाँ पर बड़े ब्यूटीफुल मैनर में प्रेजेंट किया है। सो ही सेज, अ स्नेक केम टू माय वाटर ट्रॉग ऑन अ हॉट हॉट डे। तो इट वॉज रियली क्वाइट अ हॉट डे क्योंकि समर सीजन, समर मंथ चल रहा है, तो उस समर सीजन में ऑन अ हॉट डे एक स्नेक जो है पोएट के वाटर ट्रो। नाउ ट्रो इज अ टैंक ना, जहां पर हम लाइक पानी की व्यवस्था करते हैं एनिमल्स के लिए, क्रीचर्स के लिए, जैसे गायों को पानी के लिए टैंक रख देते हैं, छोटी सी टंकी रख देते हैं, तो ये यहाँ भी उसी की बात हो रही है। तो पोएट ये कहता है कि मेरे उस वाटर ट्रो पे ऑन अ हॉट हॉट डे एक स्नेक आया, एंड आई इन पैजामास फॉर द हीट। और पोएट ने वही पजामा पहन रखा है क्योंकि हीट इतनी है, गर्मी इतनी है, तो इज वियरिंग अ पैजामा, तो पोएट ने पजामा पहन रखा है। टू ड्रिंक देयर, पोएट खुद भी ही इज थर्स्टी, तो वो प्यास बुझाने के लिए वहां पर है। एंड नाउ ही सेज, In the deep, strange scented shade of the great dark carob tree, I came down the steps with my pitcher. तो वहां पर एक carob tree है, तो उस carob tree की छाया में, and scented ऐसा लिखा because it's quite, say, उसकी एक particular जो smell है, तो उसकी उस छाया में मैं अपना पिचर लेकर, यानी अपना घड़ा लेकर के, आई केम डाउन द स्टेप्स विद माय पिचर, तो अपना पिचर लेकर के मैं उतर करके आया। एंड व्हाट मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, फॉर देयर ही वाज एट द ट्रो बिफोर मी। तो वहां ऑफ कोर्स मुझे वेट करना था क्योंकि वहां मुझसे पहले ही कोई था, एंड दैट वाज द स्नेक। तो वहां मुझसे पहले ही मस्टेन एंड वेट, भाई इंतजार करना था क्योंकि मेरे आगे वही लाइन में कोई लगा हुआ था, एंड दैट वाज द स्नेक। एंड ही रीच्ड डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। तो वो एक अर्थ वॉल से निकल करके आया था, फिशर, फिशर मींस एक वी कैन से अ ब्रेक, रप्चर, एक दरार जो थी दीवार में, तो उस दीवार से वो निकल करके आया था, उस दीवार में जो दरार थी उस फिशर से वो निकल करके आया था। इन द ग्लूम, उस अंधेरे में से, ग्लूम, डार्कनेस,
उस अंधेरे में से वो निकल करके आया था एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लेकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन दैट इज धीरे धीरे वो ट्रेल यानी कि रेंगता हुआ जस्ट क्रीप एंड क्रॉल करता हुआ अपनी सॉफ्ट बेली डाउन यानी कि क्योंकि स्नेक्स मूव लाइक दैट दे क्रॉल ऑन देयर बेली ऑन देयर स्टमक तो ऐसे वो क्रॉल करता हुआ वहां पर आया ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रो तो स्टोन थ्रो जो था उसकी एज एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम तो वहां से वो ऐसे क्रीप करता हुआ क्रॉल करता हुआ अपनी स्लिदरी मूवमेंट के स्लिदरिंग मूवमेंट के साथ में आया और अपना सर जो है उसने अपना जो थ्रोट है वो उसने टिकाया रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम तो वो स्टोन बॉटम पे उसने अपना जो थ्रोट है वो टिकाया जस्ट रिक्लाइन किया रेस्ट किया एंड वेयर द वॉटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम The tap in a small clearness. So, जैसा usually होता है, जहाँ पर पानी टैप से गिरता है, वहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा, जैसा एक we can say एक depression जैसा वहाँ पर हो जाता है. तो yes, जहाँ पानी टैप से गिरता था in small clearness, ना जहाँ वो पानी गिरा हुआ था. उस टैप से इन स्मॉल क्लियरनेस हल्का सा एक वहां पर पानी जस्ट गैदर हो रहा था तो वहां ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ सॉफ्टली ड्रेंग थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लीक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली तो बताया जा रहा है कि नाउ वी कैन सी कितना ऑब्जर्वेशन यहाँ पर पोएट का माइन्यूट है कि कैसे वो इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसने वो वाटर जो है वो धीरे धीरे सिप किया इनटू हिज माउथ थ्रू व्हाट हिज सॉफ्ट गम्स इनटू हिज लॉन्ग स्लीक बॉडी तो धीरे धीरे वो सिप कर रहा है पी रहा है और वो अपने उस आगे लाइन में खड़े उस स्नेक को वो ऑब्जर्व कर रहा है देख रहा है कि कैसे धीरे धीरे वो पानी जो है वो सिप कर रहा है एंड दैट वाज गोइंग स्ट्रेट थ्रू हिज माउथ एंड थ्रू द गम्स इनटू हिज लॉन्ग स्लेक बॉडी एंड व्हाट समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर थ्रो एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग तो मेरे सामने भाई मेरी वाटर थ्रो पर कोई था And I, like the second comer, भाई मेरा number तो second था, दूसरा था, तो I had to wait, obviously. तो मुझे इंतजार करना था. He lifted his head from his drinking, as cattle do. So, जैसे, अब यहाँ पर simile का use हो रहा है, as cattle do. तो ये जो as cattle do. लिखा हुआ है दिस इज द यूज ऑफ सिमिली जैसे कैटल अपना सर उठाते हैं लाइक काउ बफेलोज एंड ऑल आफ्टर ड्रिंकिंग तो जैसे वो अपना सर उठाते हैं पानी पीने के बाद सिपिंग सम वाटर थोड़ा सा सिप करने के बाद वो रेज करके फिर देखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही उसने भी अपना सर उठा करके देखा एंड लुक्ड एट मी वेगली दैट इज अनक्लियरली अस्पष्ट रूप से नजर उठाई जैसे देखा एक अनक्लियर मैनर में एज ड्रिंकिंग कैटल टू बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रिंकिंग कैटल करते हैं जैसे वो ये ऑब्जर्व उनका जो एक वी कैन से रिएक्शन होता है पानी पीने के बाद जैसे वो सर उठाते हैं देखते हैं बिल्कुल वैसे ही एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग क्योंकि स्नेक की टंग तो भाई फॉर्क्ड होती है बाई फॉर्क जस्ट स्प्लिट होती है तो जस्ट फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूज्ड अ मोमेंट जैसे भाई वो म्यूज मींस थिंकिंग सोच रहा हो जैसे सोच रहा हो चिंतन कर रहा हो तो अपनी वो टंग जो है उसने निकाली फ्लिकर किया उसे जस्ट फ्लटर किया And mused a moment as if thought jaise soch raha ho and stooped and drank a little more.
और झुक करके फिर से sipped some more water, थोड़ा और पानी पिया. Now how every detail has been presented here, you can see कितना मतलब बारीकी से poet ने observe किया है, and along with that जो rhythmic flow है poem का, that how it is flowing in a really very beautiful manner. So that's the beauty of this poem. तो stooped and drank a little more, झुक करके और थोड़ा सा पानी पिया, and being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth. The burning bowels, that is what? Alliteration, yes. तो alliteration होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, consonant sound को repeat करते हैं. Burning bowels जो है, it's an example of alliteration. और alliteration में consonant sound repeat होता है, ये और वो भी same poetic line में consecutive manner में जब ये होता है, तो उसे हम alliteration कहते हैं. तो वो जो snake था, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, being what earth brown and earth golden, वो धरती के पेट में से जैसे मानो निकल करके आया हो, कहाँ से, burning bowels of the earth, hot earth से, from the innermost part of the earth वो निकल करके आया था, on the day of Sicilian July with Etna smoking. तो ऐसा क्यों लिखा है, Sicilian July, Etna smoking, क्योंकि कहाँ की बात हो रही है, ऑफ कोर्स इटली की बात हो रही है ना, और एटना स्मोकिंग ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज़ दैट्स अ वोल्केनो देयर ना, ज्वालामुखी है, और द हीट वाज जस्ट लाइक दैट, जैसे कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो. सो इतना हॉट डे था, इतनी गर्मी थी, तो ऐसे एक डे, सच अ हॉट डे, द स्नेक केम आउट, है ना, ऐसे गर्मी वाले दिन वो स्नेक जो है वो धरती से, उस अर्थ से निकल करके आया, बीइंग व्हाट अर्थ ब्राउन एंड अर्थ गोल्ड, ऐसे वो, ऐसा कलर था उसका, तो ऐसा वो निकल करके उस हॉट एटमॉस्फेयर में वो निकल करके आया. द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड. तो मेरी जो वॉइस ऑफ एजुकेशन, यानी व्हाट एवर आई हैड स्टडीड, जो भी मैंने पढ़ाई की थी, जो नॉलेज मुझे मिला था, तो वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड, यानी मेरे उस ज्ञान ने जो मैंने पढ़ा, उस पढ़ करके जो मैंने जस्ट गैदर मस्टर किया, तो मेरी एजुकेशन ने मुझसे कहा, यू मस्ट बी किल, भाई इसे मार, इसे मारना होगा. फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनोमस. क्योंकि इटली में जो ब्लैक होते हैं वो तो इनोसेंट होते हैं, दे आर हार्मलेस, बट जो गोल्डन होते हैं वो वेनमस होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं. तो इसलिए द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन, यानी जो नॉलेज उसे था अबाउट द स्नेक्स, व्हाट एवर ही हैड रेड एंड स्टडीड सो फार, तो उस वॉइस ने, मेरे उस एजुकेशन की आवाज ने मुझसे कहा कि मस्ट बी किल, क्योंकि ये तो गोल्डन है, और गोल्डन स्नेक जो है वो तो पॉइजनस होते हैं, वेनमस होते हैं, तो इसे तो मारना होगा. एंड वॉइसेस इन मी सेड, इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ. तो अंदर से आवाज आई, इफ यू वर अ मैन, अगर तुम मर्द हो, अगर तुम मर्द हो तो लो एक स्टिक और मार दो इसको, ब्रेक हिम एंड फिनिश हिम ऑफ, कि उसे तुम फिनिश कर दो, मार दो, ये अंदर से आवाज आई. अगर तुम मर्द हो, मर्दानगी को चुनौती, चैलेंज मिल रहा था अंदर से, कॉन्शियस अंतरात्मा, बट मस्ट आई कन्फेस. तो यहां पर भी हम बात करेंगे, लाइक ब्लैक स्नेक्स ऐसा लिखा हुआ है, तो ब्लैक जो है, क्योंकि सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेपिटिशन. ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, रेपिटिशन, जो इसमें यूज हो रही है. तो ही सेड, व्हाट, बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम.
तो मस्ट आई कन्फेस, ये वैसे इसको हम बोलते हैं लाइक उल्टा लिखा गया है, इन्वर्जन, मस्ट आई कन्फेस, आई मस्ट कन्फेस की जगह लिखा हुआ है मस्ट आई कन्फेस। तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस है और इसे कहा जाता है इन्वर्जन। तो वो ये कहता है कि लेकिन आई मस्ट कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, मतलब हालांकि एजुकेशन अंदर की आवाज कह रही थी कि मार दो इसे, लेकिन वो कहता है कि आई लाइक्ड हिम, हाउ ग्लेड आई वॉज, येट कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वॉटर थ्रो, कि मैं बड़ा खुश था, मैं बड़ा खुश था कि चलो एक मेहमान, बट गेस्ट, एक मेहमान मेरे पास आया है मेरे वॉटर ट्रो से पानी पीने के लिए, चुपचाप क्वाइट, कि एक मेहमान मेरे पास आया है वॉटर ट्रो से पानी पीने के लिए ना, उस शांत माहौल में, इन क्वाइट यानी कि उस शांत माहौल में, एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस, और बिल्कुल शांत, पैसिफाइड, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, अगेन पीसफुल, पैसिफाइड, पर साउंड रिपीट हो रहा है, सो दैट इज एलिटरेशन। तो बिल्कुल पानी पी करके एकदम शांत और संतुष्ट, सेटिस्फाइड, थैंकलेस, भी किस बात का थैंक, वापस जा रहा है। तो व्हाट इन टू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दी अर्थ, फिर से वहीं जहां से वो निकल करके आया था, बर्निंग बाउल्स ऑफ दी अर्थ, फिर से वहां पर बाउल्स जो है, इसमें यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड हियर, क्योंकि ये एक तो बाउल होता है, बाउल इन विच वी ईट समथिंग, वी टेक समथिंग टू ईट, तो दैट इज अ बाउल। और ये जो है दिस इज ईएल, सो डिफरेंस BOWL एंड BOWEL, सो देयर इज अ डिफरेंस। सो दिस बाउल इज व्हाट, इंटेस्टाइन, बोथ द इंटेस्टाइन पुट टुगेदर, उसको हम बोलते हैं बाउल्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पुट टुगेदर, उसको तो बाउल्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के बाउल्स में से, यानी कि फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, नीचे से बिल्कुल अंदर से वो निकल करके आया था, ऐसा पोएट यहाँ पर बताना चाह रहा है। एंड वॉज इट कावर्डस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, और वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, तो क्या ये कायरता थी कि उसे मारने की हिम्मत मैंने नहीं की, दैट आई डेयर्ड नॉट किल, नो इट वॉज नॉट, ये कायरता भी नहीं थी। एंड वॉज इट परवर्सिटी, हिमाकत, ऑडेसिटी, बुल हेडेडनेस, तो क्या ये मेरी हिमाकत थी कि मैं उससे बात करना चाहता था, वही स्नेक से, वो भी पॉइजनस वन, मैं उससे इंटरैक्ट, बात करना चाहता था, तो क्या ये मेरी हिमाकत थी, वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील ऑनर्ड, या फिर ये मेरी ह्यूमिलिटी, पोलाइटनेस थी कि मैं अपने आप को बड़ा ऑनर्ड फील कर रहा था कि कोई गेस्ट भाई मेरे यहाँ आया, मेहमान ना हमारे यहाँ आए, तो क्या आप आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत, और इस तरह से जो, तो क्या ये मेरी ह्यूमिलिटी थी दैट मैं अपने आप को ऑनर्ड फील कर रहा था, आई फेल्ट सो ऑनर्ड, रियली आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं अपने आप को। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में कोई इंटरोगेशन नहीं है, इसको हम कह सकते हैं हम रेटरिकल क्वेश्चन। तो रेटरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जो अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, ना कि किसी आंसर के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं रेटरिकल क्वेश्चन। तो ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, रेटरिकल क्वेश्चन। तो इसका यूज किया है यहां पर, तो पोएट ये कहना चाह रहा है कि क्या ये मेरी कायरता, मतलब न तो ये शायद कायरता थी, और न ऐसा भी नहीं था कि मैं मेरी कोई हिमाकत हो, मैं उससे बात करना चाहता था,
बट यस मैंने अपने आप को ऑनर्ड तो फील किया, और ह्यूमिलिटी की बात वो कर रहा है कि क्या है मेरी ह्यूमिलिटी थी, तो आई रियली फेल्ट ऑनर्ड एंड येट दोज वॉइसेस इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम. फिर भी अंदर से आवाजें आ रही है कि अगर तुम डरते नहीं तो तुम मार देते हैं. तुम डरते हो, तुम डर गए, तो अंदर से वो आवाज है इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम. एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और वास्तव में डर गया था. आई वॉज मोस्ट अफ्रेड बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर. तो डर तो मैं गया था लेकिन उससे भी ज्यादा आई फेल्ट ऑनर्ड. यस, उससे भी ज्यादा आई फेल्ट ऑनर्ड दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ. तो उससे भी ज्यादा मैंने अपने आप को ऑनर्ड फील किया कि उसने मेरी हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, मेरे आतिथ्य को, मेरी मेहमान नवाजी को स्वीकार किया. उस स्नेक ने, वो आया मेरे दर पर, दैट आई फेल्ट ऑनर्ड रियली. ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड. तो पिया भाई सर उठाया. ड्रीमिली एज वन हु हैज ड्रंकन. तो बिल्कुल जैसे एक ड्रीमी मैनर में, जैसे क्या, एज वन हु हैज ड्रंकन, जैसे भाई पी ली हो, चढ़ा ली हो, है ना, वाज ड्रंकन. तो ऐसे उसने सर उठा करके देखा. एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉग नाइट ऑन द एयर. तो अगेन यहां पर सिमिली का यूज हो रहा है, लाइक अ फॉग नाइट. तो फिर से सर उठा करके बिल्कुल जैसे ड्रंकन हो ना, और अपनी टंग को बिल्कुल फ्लिकर किया जैसे क्या, अ फॉग नाइट इन द एयर. तो उसको कंपैरिजन किया हुआ है वो स्नेक जैसे फ्लिकर कर रहा है, फुफकार रहा है ना, अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉग नाइट इन द एयर की हवा में, मतलब एक रात जो जैसे विस्प ऑफ नाइट जैसे हो, तो ऐसे वो लग रहा था. सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, सो ब्लैक दैट टंग वाज, ऐसा लग रहा था जैसे लिकिंग एंड जस्ट व्हाट स्मैटरिंग हिज लिप्स. तो ऐसे ना जीभ से जैसे होठों को जो है वाइप करते हैं, तो ऐसे वो करता हुआ लग रहा था. एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड. नाउ अगेन अ कंपैरिजन हियर, सिमिली का यूज फिर से हो रहा है. तो व्हाट, एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसीइंग इनटू द एयर. तो गॉड से कंपैरिजन का क्या मतलब है यहां पर, क्यों ऐसी सिमिली यहां पर यूज की है, जैसे गॉड जो है लाइक नॉट केयरिंग फॉर द थिंग्स हैपनिंग अराउंड, जस्ट हैविंग an equal eye for all, having a just view for all, like unbiased and nonchalant. जैसे God जो है वो unbiased है, किसी के लिए कोई prejudice या पूर्वाग्रह नहीं है, and uncared about the things around. So यहाँ पर उसकी भी कुछ condition ऐसी कि जैसे उसे आसपास क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं हो, बिल्कुल dreamy और drunken state में वो गॉड की तरह चारों तरफ ऐसे नजर डाल करके देखता है, जैसे कुछ आसपास की चीजों से कोई मतलब नहीं हो, अनबायस्ड. और जस्ट उस बात को बताने के लिए यहां पर लिखा हुआ है. एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई. एंड स्लोली, वेरी स्लोली, अगेन रिपीट हो रहा है तो रेपिटेशन हम कहेंगे. एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम. तो ये थ्राइस अ ड्रीम मतलब थोड़ा सा हम कहें कि बड़ा चढ़ा करके लिखा है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, हाइपरबली या एग्जैजरेशन का यूज यहाँ पर किया है पोएट ने, ऐसा मैं कह सकता हूं. हाइपरबली, जिसे हाइपरबोल लोग कहते हैं, एग्जैक्टली हाइपरबली ऐसा हम इसको प्रोनाउंस करते हैं. तो हाउ देखा एंड व्हाट, आई लुक्ड अराउंड पुट माय सॉरी एंड देन व्हाट, स्लोली
turned his head slowly, very slowly, as if thrice a dream. तो क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके कहा है तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ exaggeration use किया है. As if thrice a dream, proceeded to draw his slow length, curving round. तो धीरे धीरे कर्व करते हुए वो अपने उस बॉडी को धीरे धीरे जैसे ड्रैग कर रहा है, घसीट रहा है. एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस. और फिर से वो जो ब्रोकन वॉल फेस था, वो जो टूटी दीवार थी, उसके ऊपर वो चढ़ रहा था. तो ब्रोकन बैंक, अगेन अलिटरेशन यूज हो रहा है. एज ही पुट हिज हेड इन टू दैट ड्रेडफुल हॉल, और जैसे ही उसने अपना जो सर है, दैट हेड, उस ब्रोकन हॉल में, उस फिशर, उस दरार में, उस हॉल में उसने डाला. एज ही स्लोली ड्रू अप, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स. बड़ा ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज किया है उस क्रीपिंग को बताने के लिए, उस क्रॉलिंग को बताने के लिए. स्नेक ईजिंग, वेरी ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन. स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स, तो अब स्नेक के शोल्डर्स तो होते नहीं है, लेकिन जैसे मान लो हम किसी नैरो सी जगह में बस धीरे धीरे करके जा रहे हो, तो उस मोमेंट को यहाँ पर बड़े ब्यूटिफुल मैनर में, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम. न्यू, वी कैन से अ न्यू कॉइनेज, अ न्यू एक्सप्रेशन टू कन्वे दिस आइडिया. तो उस धीरे धीरे वो स्लोली क्रीप करता हुआ अपनी बॉडी को खींचता हुआ जा रहा है. एंड एंटर्ड फर्दर, और आगे, अ सॉर्ट ऑफ हॉरर, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक हॉल. तो एक थोड़ा सा डर पोएट के मन में, उस मोमेंट को, उस को देखते हुए एक थोड़ा सा डर, अ फीलिंग ऑफ प्रोटेस्ट पोएट के मन में जागती है. एंड डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर. तो जब वो स्नेक को देखा कि कैसे वो उसमें जा रहा है, स्लोली वो अपनी बॉडी को ड्रॉ कर रहा है और ड्रैग कर रहा है, तो एक डर और एक प्रोटेस्ट मन में एकदम से इवोक हुई, जागृत किंडल हुई. एंड ओ केम मी, तो फीलिंग, उस फीलिंग ने पोएट को ओवरपावर कर लिया. इट जस्ट ओवर केम मी एज ही रिटर्न एंड नाउ हिज बैक वाज टर्न. जब उसका बैक, यानी वो मुड़ चुका है, वो जा रहा है अंदर, ड्रैग कर रहा है अपनी बॉडी को, तब एकदम से एक फीलिंग ऑफ प्रोटेस्ट, एक फीलिंग ऑफ हॉरर जस्ट ओवरपावर्ड हिम. एंड व्हाट, आई लुक्ड अराउंड, मैंने नजर डाली चारों तरफ. पुट डाउन माय पिक्चर, अपने पिक्चर को नीचे रखा. आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, और एक लॉग को उठाया, लट्ठा, एक लकड़ी उठाई. And threw it at the water trough with a clatter. और वो लोग जो है वो बिल्कुल एक clatter, एक जोर की आवाज के साथ मैंने water trough की तरफ फेंका. और then what? I think it did not hit him. मुझे लगा शायद लगी नहीं. I think it did not hit him. मुझे लगा शायद वो लोग उसे लगा नहीं. And but suddenly that part of him that was left behind convoluted, convulsed in undignified haste. तो जैसे ही what मैंने वो फेंका, मुझे लगा कि शायद हिट नहीं हुआ, but then जो last portion था, body थी, एकदम से convulsed, convoluted, यानी कि एकदम से एक writhing movement, एक छटपटाने का, एकदम से like spasmic movement वहाँ पर, ऐठन वाला movement उसने नोट किया. एंड रिदर्ड लाइक लाइटनिंग, फिर से यहां पर एक सिमिली यूज हो रही है, कंपैरिजन यूज हो रहा है, लाइटनिंग से कंपेयर किया हुआ है. तो एकदम से वो रिद करना, मतलब रिगल करना, विगल करना, छटपटाना, तो एक लाइटनिंग की तरह, बिजली की तरह एकदम से. एंड वॉज गॉन, और चला गया इनटू द ब्लैक हॉल. तो उस हॉल में फिर से, जहां से वो निकल करके आया था, वो फिर से चला गया. The earth lipped fisher, earth lipped fisher, क्योंकि that was, you know, earthen wall, कच्चा, yes, कच्चा is a word in dictionary, right? So earthen wall, उस wall में वो चला गया. And earth lipped fisher in the wall front, तो earth lipped fisher, जैसे मान लो lip form में हो, fissure क्योंकि opening था ना, इसलिए
लिप यहां पर लिखा हुआ है उसमें वो चला गया. एट विच इन द इंटेंस टिल नून आई स्टेयर्ड विद फैसिनेशन. और उस नून में उस दोपहरी में बिल्कुल एक फैसिनेशन के साथ ऑल एंचेंटेड ही वाज स्टेयरिंग एंड गेपिंग. वो उसको देख रहा है निहार रहा है. एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट. और वो देख करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ. रिग्रेट वो देख करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ. मुझे बड़ा पछतावा हुआ. आई रिग्रेट आई थॉट हाउ पोल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट अ मीन एक्ट. तो पहले तो वो जो डर था उस डर की वजह से उसने वो लोग उठा करके फेंका. लेकिन फिर मुझे रिमोर्स कंपंक्शन रिग्रेट पछतावा हुआ कि मैंने क्या किया. बड़ा मीन बेस तुच्छ इंफीरियर एक्ट मैंने क्या किया. आई डिस्पाइज्ड माइसेल्फ मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी. आई डिस्पाइज्ड माइसेल्फ आई रियली हेल्ड माइसेल्फ इन लाइक कंटेम्प्ट वी कैन से डिसडेन. मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी. हेटेड इन द वॉइसेस ऑफ माय अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन. और अपनी वो जो एजुकेशन है मैं उसको उससे डिस्पाइस कर रहा था कि सब उसकी वजह से हुआ. उसकी वजह से मैंने ऐसा किया. वो अकर्स्ड दैट वाज ऑल कर्स्ड एंड एब्निगेटेड. मैं उसकी वजह से अपने आप को बड़ा लाइक डिस्पाइस बड़ा अपने आप से घृणा कर रहा था. नफरत मुझे हो रही थी. And I thought of the albatross. अब albatross जो है यहाँ पर एक imagery use की है, एक symbol use किया है. तो albatross है symbol किस बात का. यह है redemption का. यानी कि आपने जो गलती की expiation, penance का, प्रायश्चित का, पछतावे का. तो जैसे if you remember अगर आपने कभी ये poem पढ़ी हो ST Coleridge की लिखी हुई Rime of Ancient Mariner. तो उसमें वो जो मरीनर था जब उसने अल्बेट्रोस को मार दिया था तो उसके साथ ही जो सेलर्स थे क्रूमैन थे उसको उन्होंने क्या किया उस अल्बेट्रोस को उसके गले में टांग दिया टू शो द गिल्ट एंड द रिमोर्स उसको शो करने के लिए. तो यहाँ भी उसी बात को बताने के लिए इसे यूज किया गया है. रिडेम्पशन है गिल्ट वाली फीलिंग को बताने के लिए कैसे अब उसे भी पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्या किया मैंने क्यों उस स्नेक को मारा. Then I thought of the albatross and I wished he could come back. तो मुझे भी अब पछतावा हो रहा था. मुझे भी अब अफसोस हो रहा था कि मैंने क्या किया. और मैंने मुझे लगा I wished कि वो वापस आ जाए वो फिर से आ जाए my snake. For it seemed to me again like a king. क्योंकि वो मुझे कैसे बिल्कुल एक king की तरह लग रहा था. मुझे वो एक किंग की तरह लग रहा था. लाइक अ किंग इन एग्जाइल. जैसे एक किंग जो वो एग्जाइल में हो यानी कि बैनिश्ड हो वही वनवास मिला हो निर्वासन यानी कि अलग चल रहा हो वनवास में चल रहा हो. लाइक अ किंग इन एग्जाइल मैंने उसको फील किया ऐसा. अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड. तो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बिल्कुल ऐसा वो मुझे लग रहा था. अनक्राउंड अ किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड अ किंग लिविंग इन द अर्थ आई फेल्ट लाइक दैट नाउ ड्यू टू बी क्राउन्ड अगेन. तो मुझसे जो गलती हो गई यानी पोएट ये फील करता है मुझसे जो गलती हो गई तो वो चाहता है कि वो फिर से आ जाए ड्यू टू बी क्राउन्ड अगेन. जिसे अब फिर से जैसे जिसकी ताजपोशी की जानी हो क्राउनिंग की जानी हो कोरोनेशन किया जाना हो. तो And so I missed my chance with one of the lords of life. तो इस तरह से मैंने अपना मौका गवा दिया. तो इस तरह से मैंने अपना चांस जो मुझे मिला था उस लॉर्ड को लाइक होस्ट करने का सेवा करने का जो मौका मिला था मैंने वो चांस गवा दिया. And I have something to expiate a pettiness. तो अब मुझे उसका प्रायश्चित करना है. एक्सपिएट करने के लिए पेनेंस के लिए मेरे पास कुछ है. मुझे उसका प्रायश्चित करना है. एक पेटी एक्ट पेटीनेस मतलब एक पेटी एक्ट एक ट्रिफल एक ट्रिवियल एक जो मैंने बिल्कुल मीन जो काम किया था. तो अब मुझे उसका प्रायश्चित करना है. तो ऐसा पोएट फील करता है. तो हम देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल मैनर में यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स एज वेल और इमेजरी और
लिटरेरी डिवाइसेस को यूज करते हुए पोएट ने एक रिदमिक फ्लो के साथ, एक ब्यूटीफुल सिंगिंग मोमेंट के साथ पोएट ने अपनी बात को कन्वे किया है। उस माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का जो हमें एक टच यहाँ पर देखने को मिलता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पोएम। इसी तरह से आगे की और पोएम्स के लिए आप देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।